अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में भारतीय कृषि ने ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने बताया कि 17 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुमोदन के साथ ही 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। आपको ज्ञात होगा 2018-19 में जब सरकार ने निर्णय लिया कि लागत प्लस 50% पर MSP तय करेंगे, उसको हमने लगातार लागू भी किया और उसके पालन के कारण किसानों को अच्छे दाम भी मिले, उनकी कमाई भी बढ़ी और बहुत सारे और कदम इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने उठाए हैं। चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 16 लाख करोड़ रुपये किसानों को देने की बात हो, कम ब्याज दर पर वो मिलते हैं, यहाँ तक कि PM किसान सम्मान निधि जो पिछले कुछ दिन पहले ही एक किश्त जारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की, उसको मिलाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये अब तक किसानों के खाते में जा चुका है। भारतीय